जय हिंद दोस्तों, आज हम गुरुकुल डिफेंस एकेडमी लाडनू में हैं और इस समय जो युवाओं की सबसे ज़्यादा अपनी मातृभूमि भारत माता की सेवा के लिए डिफेंस के क्षेत्र में जाने की जो जज्बा है वो पिछले समय में काफ़ी बच्चों का बढ़ा है और लगभग ट्वेल्थ करने के बाद बच्चे अधिकांश डिफेंस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। और वैसे ही नागौर जिला पूरे राजस्थान और पूरे देश भारत में माना जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा यहाँ से कमांडो और फौज के जो सैनिक है नागौर जिला हमेशा से देता आया है। नागौर में वैसे भी सूरवीरों की यह धरती रही है और कुचामन सिटी एक ऐसा क्षेत्र है नागौर में जहाँ पर लगातार डिफेंस के क्षेत्र में पूरे देश को लोहा मनाया है। अब कुचामन के बाद लाडनू में भी गुरुकुल डिफेंस एकेडमी की शुरुआत हुई है और आज हम गुरुकुल डिफेंस एकेडमी लाडनू में आए हैं जो कि NH 58 पे स्थित है और एक बेहद और कहे तो जो एक सृजनता के साथ नए नवाचारों के साथ ये डिफेंस जो है शुरू की है। और आज हमारे साथ है गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर और फिजिकल ट्रेनर एक्स मरीन कमांडो नरेंद्र चौधरी। तो नरेंद्र जी, आपका सबसे पहले तो हमारे चैनल मारवाड़ दर्शन में स्वागत है और इसके बाद मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल से क्या युवाओं तक मैसेज पहुँचाना चाहते हो। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और मारवाड़ चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा जो आज यहाँ पे हमारे पास में आए हैं और हमारी जो गुरुकुल डिफेंस एकेडमी है उसके बारे में अपने चैनल के माध्यम से बच्चों को बताना चाहते हैं। और काफ़ी लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो डायरेक्टली आपसे जुड़े हुए हैं और जो डिफेंस में जाना चाहते हैं, चाहे बच्चे हैं चाहे उनके पेरेंट्स हैं जो उनको बच्चों को अपने डिफेंस सेक्टर में भेजना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है और आपके चैनल के माध्यम से उन तक ये जानकारी पहुंच जाएगी। निश्चित ही ये जानकारी तो चैनल के माध्यम से पहुंचेगी ही और आप सबकी दुआओं से चैनल के जो आज दर्शक है वो लाखों में दर्शक है और जो चैनल के सदस्य है और 20,000 प्लस चैनल के सदस्य है उन सब तक मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को डिफेंस के क्षेत्र में भारतीय सेना में भेज के देश की सेवा तो कर ही सकते हैं, साथ ही अपने माता पिताओं का नाम और अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का मौका मिलता है। तो आप मुझे बताइएगा कमांडो साहब कि जो आपने ये डिफेंस में जो कौन कौन सी व्यवस्था कर रखी है और आप यहाँ किस किस तरह की तैयारियाँ जो करवाओगे, जैसे फिजिकल तैयारी है साथ ही फिजिकल के साथ साथ और आप रिटर्न की भी तैयारी करवाओगे, क्या क्या आपकी फैकल्टी है और कौन कौन सी सेवाओं में बच्चे जा सकते हैं। हाँ गिरधर जी, यहाँ पे हमने जो एक बच्चे को संपूर्ण फिजिकल की तैयारी करवाती है और जो तीनों फोर्सेस हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उन सब की हम यहाँ पे तैयारी करवा रहे हैं, जिनमें मोस्ट ऑफ ऑल कि आर्मी और एयरफोर्स और नेवी, ये डिफेंस फोर्सेज में नेवी और एयरफोर्स के रिटर्न एग्जाम्स के हम यहाँ पे प्रिपरेशन करवाएंगे। और जो आर्मी भर्ती के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए हमने 400 मीटर एकेडमी का ऑन ग्राउंड बनाया है, 15 प्रकार के ऑब्स्टिकल बनाए हैं, उनके फिटनेस को ध्यान रखते हुए ग्राउंड को हमने उस हिसाब से तैयार किया है कि यहाँ पे अगर बच्चों को हम तैयार करेंगे तो मेरे हिसाब से वो कहीं पे नहीं हट गया। जो मेरा एक्सपीरियंस है 15 इयर्स का जो मैं सर्विस करके आया हूँ एज ए कमांडो नेवी के अंदर, तो मैं अपना एक्सपीरियंस उन बच्चों को शेयर करना चाहूँगा और उन बच्चों को मैं उस लेवल का ट्रेन करूँगा ताकि वो कहीं पर भी ना हट गया इन फ्यूचर में भी। निश्चित ही एक बेहतरीन तैयारी यहाँ होगी ये बेशक, क्योंकि अभी आप तुरंत ही रिटायरमेंट होके आए हो और आपकी 15 साल की जो अनुभव रहा है और जो सबसे बेहतरीन कहे या सबसे जो हार्ड ट्रेनिंग जो कमांडो की होती है और कमांडो की समाज के अंदर एक अलग पहचान होती है, जहाँ कमांडो नाम आता है तो सीना फूल जाता है। मैं देख रहा हूँ आपका जो सीना है, वो कहते हैं ना 56 इंच वाला सीना, हकीकत में कमांडो का जो सीना होता है निश्चित ही 56 इंच का होता है। और आप जब बॉर्डर पे हम लोगों की रक्षा करते हो तो संपूर्ण देशवासी जो है अपने घरों में चैन से नींद ले सकते हैं। और अब जो आपसे मैं जो क्वेश्चन करने वाला हूँ कि आपकी जो यहाँ जो आए बच्चा एडमिशन लेने के लिए, तो उसके लिए आपने क्या है, कोई पहले प्री टेस्ट रखा है या फिर उसका फिजिकल जो टेस्ट करते हो, किस आधार पे यहाँ एडमिशन बच्चा ले सकता है और कौन कौन से कोर्सेज है, जैसे 3 मंथ है 6 मंथ है, कौन से कोर्सेज है या ईयरली है, कौन सा पैकेज आपके यहाँ दिया जाता है। जो बच्चे डिफेंस फोर्सेज की तैयारी करना चाहते हैं या फिर जो स्टेट पुलिस है
जैसे राजस्थान पुलिस है और दिल्ली पुलिस है, उन सब की तैयारी करना चाहते हैं। उन सब बच्चों के लिए यहाँ पे अलग अलग पैकेज हैं। जो क्रैक एग्ज़ाम में आप देखोगे 3-3 महीने के कोर्सेज हैं, और जो मोस्ट ऑफ डिफेंस फोर्सेज के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जैसे आर्मी भर्ती के लिए और नेवी एयरफोर्स, उनके लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक एक साल का पैकेज हमने तैयार किया है यहाँ पे। और जो बच्चे यहाँ पे फिजिकली की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आर्मी पैकेज के लिए हमने 3-6 महीने का कोर्सेज तैयार किया है, जो नियर बाय भर्ती को देखते हुए। नहीं, ये तो बात है ही है। साथ में कमांडर साहब, मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा कि आजकल एक ट्रेड चला है जैसे गारंटेड जो बैच होते हैं, क्या इस तरह से भी आपने गारंटेड बैच भी रखे हैं, जैसे कि जिसमें आप जॉब की गारंटी देते हो कि निश्चित ही यहाँ से जब बच्चा जाएगा श्योरली उसको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगा, इस तरह का भी कोई कोर्सेज है आपके यहाँ? हाँ, हमने गारंटी बेस पे 1 साल 2 साल और 3 साल के कोर्सेज रखे हैं। अगर 1 साल के अंदर बच्चे को हम सिलेक्शन नहीं दे पाते हैं तो हमने यहाँ पे इस हिसाब से रखा है कि बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट जो एजुकेशन है, उनकी ट्रेनिंग है, वो सब हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे उसको। उसके लिए बच्चे के लिए कोई भी चार्जेस हम नहीं लेने वाले। और आपके यहाँ जो एडमिशन लेना चाहेगा उसका क्या प्री टेस्ट या क्या आपने वो क्या रखा है? जो यहाँ पे बच्चा एडमिशन के लिए आ रहा है तो हम उसके लिए जो एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट रखते हैं। मेडिकल फिटनेस टेस्ट में जो एक डिफेंस फोर्सेज में जाने के लिए मेडिकल जो क्राइटेरिया रहता है बच्चे का, जिसमें वो फिट आना चाहिए, क्योंकि मेडिकल ऐसी चीज़ है जिसमें अगर बच्चा अनफिट हो गया तो वो फिर फिट नहीं हो पाएगा। तो मोस्ट ऑफ ऑल हम वही ट्राई करते हैं कि बच्चा हर चीज़ में फिट हो। अगर अनफिट है तो हम बच्चे को या फिर उनके जो माँ बाप हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको हम गुमराह नहीं करते कि आपका बच्चा लग जाएगा, या फिर जो थोती जो भावनाएँ रहती है किसी को दिलासा देने वाली कि लग जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। कि जो क्लियर है वो क्लियर है, जो नहीं अनफिट है तो अनफिट है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, साथ ही मैंने एक बार अभी आपके वो देखा था, यहाँ डिफेंस का कोई एक एड देखा था, उसमें देखा था आपने एक नया नवाचार किया है, जो सीनियर के रिजल्ट आए उसके बाद आपने जो एक बच्चे को स्कॉलरशिप का आपने वो चलाया है कि 90 अबव है 80 अबव है, उसके लिए आप स्कॉलरशिप है, तो उसमें आपके कौन कौन से जो है स्कॉलरशिप और क्या क्या उसमें दिया जा रहा है? जी, जो 90% जिन बच्चों के आए हुए हैं 90 एंड अबव, उन सभी बच्चों के लिए 30% डिस्काउंट है एकेडमी की तरफ से। और जो हम प्लान कर रहे हैं कि वो शेड्यूल हमारा सेटअप होते ही हम लॉन्च कर देंगे, जिसमें बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की एक ऑप्शन है, जिसमें ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे हम। जो बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन हासिल करेगा उसके लिए एकेडमी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, फिजिकल ट्रेनिंग, सब कुछ, लिविंग वगैरह सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा बच्चे के लिए। निश्चित ही बेहतरीन तैयारियां यहाँ आप करवाने का जो आप में जज्बा है, और तुरंत आप रिटायर होके आए हैं, और निश्चित ही एक अच्छी यहाँ तैयारी हम आशा करते हैं। और ये लाडनू क्षेत्रवासियों के लिए और पूरे प्रदेश के लिए खुशखबरी है कि एक मरीन कमांडो जो हाल ही में रिटायरमेंट होके अपने 15 साल के जो एक्सपीरियंस है उसके साथ एक बेहतरीन ट्रेनिंग बच्चों को यहाँ देगा, और उसके बाद निश्चित ही बच्चा किसी न किसी जॉब में डिफेंस के क्षेत्र में जरूर सेलेक्ट हो पाएगा, ऐसी हम कामना करते हैं। धन्यवाद।